नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान BSTC काउंसलिंग 2021 को लेकर आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, BSTC की पहली लिस्ट के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, कट ऑफ आपकी बहुत ही कम रहने वाली है। दोस्तों, कब आपकी पहली लिस्ट आएगी, इसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे को कन्फ्यूज हैं। डेली कमेंट आ रहा है कि सर पहली लिस्ट कब आई, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं। दोस्तों, कैसे आपको अपनी लिस्ट देखनी है, और जैसे ही आपकी लिस्ट आ जाएगी उसके बाद दोस्तों इन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप कॉलेज अलॉटमेंट कराओगे। तो ये दोस्तों आपके पास रुपए, और इसी के साथ अगर मैं फ़ीस की बात करूँ यानी कि रुपयों की बात करूँ, तो 13,500 के आसपास आपकी जो है फ़ीस रहेगी। दोस्तों, इनका आपका चालान कराना होगा, और आपकी BSTC शुल्क भुगतान पर्ची और आवेदन का प्रिंट आउट, मार्कशीट और प्रमाण पत्र, राजस्थान निवासी प्रमाण पत्र, ये सब आपके कॉलेज अलॉटमेंट के समय दोस्तों इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि पहली लिस्ट क्या आज आपकी जारी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज आपकी पहली लिस्ट जारी होने की अपडेट है। चलिए सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जैसे ही आपकी राजस्थान BSTC की आज लिस्ट आएगी, मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ टोल फ्री नंबर दे रखे हैं दोस्तों, इन पर मैंने कॉल किया था, इन्होंने बताया कि आज या कल तक आपकी लिस्ट है वो जारी कर देंगे। और 17 अक्टूबर तक दोस्तों आपकी जो है लास्ट डेट थी काउंसलिंग की, इसके बाद दोस्तों आज लगभग आपके 10 दिन का समय हो चुका है दोस्तों, और पहली लिस्ट जारी होने की आज बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जैसे ही आपकी पहली लिस्ट आएगी, यहाँ पर दोस्तों कॉलेज अलॉटमेंट के नाम से दोस्तों लिंक है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जहाँ से आप दोस्तों अपनी जो है कॉलेज चेक कर सकते हैं। हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास SMS भी जाते हैं कि उनको कॉलेज अलॉट हुई है, ये उनको दोस्तों SMS है वो कर दिए जाते हैं। अगर फिर भी SMS नहीं आता है तो आप खुद चेक कर सकते हैं। लगभग 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पहली लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। पहली लिस्ट की कट ऑफ इस साल कम रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि 2 लाख फॉर्म कम भरे गए थे। इसी साथ दोस्तों आपकी 3,000 सीटें बढ़ाई गई हैं, तो आपकी कट ऑफ कम रहेगी दोस्तों BSTC की। और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं दोस्तों काउंसलिंग भी नहीं कराई है, इसलिए दोस्तों आपकी कट ऑफ कम रही, क्योंकि BEd स्टूडेंट करने की ज़्यादातर सोच रहे हैं और BSTC पर कम फोकस है, क्योंकि L1 में BEd वालों को शामिल करने को लेकर जो पेपर दिया है दोस्तों, उन्होंने तभी से यहाँ पर BEd की तरफ स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि आपको कितने नंबर हैं होना ज़रूरी है जनरल OBC SC ST कैटेगरी में दोस्तों, जहाँ पर आपको कॉलेज वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात कर लेता हूँ कि जनरल कैटेगरी में आपके कितने नंबर होना अनिवार्य है जब आपको दोस्तों जो है कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगी। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 385 से 390 के बीच नंबर हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगी दोस्तों। OBC में भी दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी रहती है, 383 प्लस आपकी कट ऑफ रहेगी। पहली लिस्ट की कट ऑफ सर कम रहने वाली है, और BSTC की लगातार 5 साल में पहली बार आपकी जो है कट ऑफ है वो कम रहेगी। SC कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, तो SC कैटेगरी में दोस्तों आपको 375 पर आपको कॉलेज मिल जाएगी। ST कैटेगरी में 365 नंबर पर आपको जो है कॉलेज है वो मिल जाएगी। EWS कैटेगरी की बात करूँ दोस्तों, तो EWS कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 380 प्लस रहेगी दोस्तों, पहली लिस्ट की कट ऑफ। MBC में दोस्तों आपकी जो पहली लिस्ट की कट ऑफ रहेगी वो 385 के आसपास कट ऑफ रहेगी। ये आपकी दोस्तों कट ऑफ रहने वाली है पहली लिस्ट की, और आज आपकी पहली लिस्ट जारी होने की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। जैसे ही आपकी पहली लिस्ट आएगी, इस लिंक को यहाँ से हटा दिया जाएगा और कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट आ जाएगी, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। तो जैसे ही आपकी पहली लिस्ट आएगी दोस्तों, मैं तुरंत अपडेट कर दूँगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आज जो PGDLED विभाग की ऑफिशियली वेबसाइट दोस्तों, इसको भी अपडेट किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी दोस्तों लिस्ट है वो आज जारी हो सकती है। तो दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पहली लिस्ट आते ही तुरंत अपडेट करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।